क्या पीते हो? सुलेशन पीते हैं, दारू भी पीते थे, थाना से मिलता था, जर भी थाना से। पुलिस क्या पकड़ेगा? पुलिस तो खुद ही गुलामी करता है दूसरे का, वो सब करता है पकड़ मारी सब। वो सब बिहार में शराबबंदी है, मगर शराबबंदी के बाद अब नशे के दूसरे विकल्प की ओर लगातार युवा पीढ़ी बढ़ रही है। अब नशेड़ी कफ सिरप, स्मैक, ब्राउन शुगर सहित दूसरे अन्य विकल्प का इस्तेमाल करने लगे हैं। नशे के आगोश में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो रहे हैं और नशे के लिए सनफिक्स जैसे एडहेसिव सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सनफिक्स का नशा करने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे चोरी तक की घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते। भागलपुर रेलवे स्टेशन के परिसर में ऐसे बच्चों का गैंग है जो नशे के इन विकल्पों के इस्तेमाल कर एक से एक बढ़कर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बच्चे खून का सौदा भी करते हैं और खून के लिए दूसरे अन्य जिला तक पहुंचाए जा रहे हैं। पंजे बोले क्या पीते हो? सुलेशन पीते हैं, गम में पीते हैं, लाश उठाते हैं, डेड बॉडी कभी कभी। और बोलिए, पहले क्या पीते थे? पहले गांजा पीते थे, दारू भी पीते थे, थाना से मिलता था। और बोलो, जर पे थाना से आप नहीं मिलता। अभी सुलेशन पी रहे हैं। क्या होता है सुलेशन पीने से? कुछ ना होता है, नशा चढ़ता है। नशा नहीं चढ़ता है इसमें। कितने लोग हैं टोटल? हैं, ये सब पीने में कितने लोग हैं टोटल इसमें? इसमें तो है 10-12 गो है ना लौंडा, छोटा छोटा बच्चा भी है। हाँ, दो गो इधर भागा अभी। पॉकेट मारी सब भी करता है पीके? नहीं, पॉकेट मारी हम लोग नहीं करते हैं, वो सब करता है पकड़ मारी सब। वो सब सुलेशन के कारण हम नहीं करते हैं। नहीं मिलता है सुलेशन तो पॉकेट मारी भी करता होगा के? पैसा नहीं रहता होगा तो हम पकड़ मारी नहीं करते हैं। बच्चा लोग करता है ना? हाँ, वो सब करता है। जब पकड़ मरनी सब भी आता है, लेडीज सब भी आता है, सुलेशन पीता है, वो सब भी लेडीज सब भी दो चार को करता है। पुलिस क्या पकड़ेगा? पुलिस तो खुद ही गुलामी करता है दूसरे का, पुलिस क्या पकड़ेगा? नशे की दूसरे अन्य विकल्पों का इस्तेमाल शरीर में काफी हानि पहुंचाता है। शरीर की ना केवल प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है बल्कि नर्व सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। वहीं इसके ज्यादा सेवन करने से मौत तक हो जाती है। सुलेशन आता है जो जूता वूता चिपकाने में, तो वो सबसे जो इन्हेलेशन होता है तो सबसे पहले तो फेफड़े के लिए बहुत ही नुकसानदायक, क्योंकि वो गैस जो है लंग्स का जो एल्वोली होता है उसके हवा को रिप्लेस कर देता है, तो लॉन्ग टर्म में लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात है कि वहाँ लंग्स से वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड से ब्रेन में पहुंच करके वो हाई, जो आजकल हाई बोलते हैं ना, हाई प्रोड्यूस करता है, जिससे उसको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम जीत रहे हैं, हर कुछ उसको अच्छा फील होता है। लेकिन फाइनल इसका जो इफेक्ट होता है ब्रेन पर भी काफ़ी ख़राब होता है, बहुत ही ख़राब होता है। इससे चमकी भी की भी बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, और बहुत में ऐसा भी देखा गया है कि सडन कार्डियक डेथ भी हुआ है, कि अचानक से हार्ट में अरिदमिया हुआ और पेशेंट कोलैप्स कर गया, जिनको ज़्यादा आदत हो जाती है। कहते हैं बच्चे राष्ट्र का भविष्य है, ये सत्य भी है, क्योंकि आज के ही बच्चे कल बड़े होकर राष्ट्र निर्माण में भूमिका का निर्वहन करेंगे। लेकिन जिस कदर नशे के आगोश में ये बच्चे उन्मुख हो रहे हैं वह चिंतनीय है। जरूरत है ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने की।